मेरे बहुत ही अच्छा, ये एक्चुअली ये गाना तो है ही है लेकिन सूफी सूफी सॉन्ग है मेरा, जैसे कि दमादम मस्कलंदर आपने सुना था, जो कि ऑलरेडी बहुत सुपर हिट सॉन्ग भी था और बहुत ही इबादत वाला सूफी सॉन्ग था, जिसमें लोग झूमते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। आई गेस वो ऐसा एक सॉन्ग है जो हर महफिल में आप सुन सकते हैं। लेकिन जब मैंने और योजो ने वो गाना निकाला तो देन लोग क्लब्स में भी उस गाने को सुनने लगे एंड एंजॉय करने लगे, स्पेशली जो यंगस्टर है। तो वैसे जो ये मेरा नया गाना है वो अली अली, ये मेरा सेकंड सूफी सॉन्ग है। और जब मैं अभी दुबई में गया था लास्ट ईयर, तो कम से कम 70,000 वहाँ पे क्राउड था ग्लोबल विलेज में, और मेरा फिर अभी 15 तारीख को भी ग्लोबल विलेज में शो है। तो जब इतना क्राउड मैंने देखा था, ऑन द स्पॉट मैंने ये गाना वहीं कंपोज करा अली अली, और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। देन उसके बाद मैंने वापस मैं इंडिया में आया हूँ और फिर मैंने इस गाने को पूरा कंप्लीट करा। एक साल लग गया इस गाने को, बिकॉज मैं चाहता था ज़्यादातर जितने भी गाने आ रहे हैं सूफी सॉन्ग्स, वो सारे अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लियर ही होता कि वो लव सॉन्ग है, रोमांटिक है कि सूफी है। तो जब भी जितने गाने यहाँ पे कंपोज होते हैं ज़्यादातर वो रोमांटिक बन जाते हैं, जैसे शुक्रान अल्लाह बड़ा अच्छा गाना था, या जितने भी गाने आते हैं जिसके अंदर अल्लाह का नाम आता है, तो ज़्यादातर वो थोड़ा सा रोमांस या रोमांटिक वे में चल जाता है। तो मैंने ये जो गाना बनाया अली अली, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर सूफी सॉन्ग है, जिसके अंदर आपको कोई भी ऐसा नहीं, नो गर्ल्स नो कार्स नो स्टाइल, या एक रोमांटिक वे में नहीं बनाया, पूरा इबादत की तरह इसका वीडियो बनाया। एंड आप जितने भी मेरे फैंस देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, अभी गाना लॉन्च भी हो गया आज ही, अभी 4 बजे हमने गाना रिलीज़ करा है। सो गाने का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है ऑलरेडी, और उसका जो वीडियो है वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक्स टू वेंकी बाला भाई, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इनकरेज करा कि यह गाने को आप और बड़े लेवल पे प्रमोट करो, शूट करो, और ये बहुत अच्छा सॉन्ग है और लोगों को अच्छा लगेगा। सो एक्चुअली ये जो मैं जिनका नाम लिया, मेरे बाला मेरा दोस्त है फ्रॉम वेंकीज, ही लिव्स इन पूना। तो पिछले 5 साल से मैं उनके बर्थडे में मैं हमेशा बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर वहाँ पे पेरिस हिल्टन थी, जहाँ सलमान भाई ने और हम दोनों ने पेरिस हिल्टन को एक लॉकेट गिफ्ट किया था। तो वही बाला के बर्थडे के अभी बर्थडे में जब ये मैंने गाना परफॉर्म करा था, एंड एक और वहाँ पे स्पेशल गेस्ट थे, एंड ही स्पेशली केम ऑन स्टेज, उन्होंने माइक लिया और वो सीधा अली 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 अली। तो मुझे लगा यार वाकई में गाने में बहुत दम है, और जो एकदम से जो सुपर स्टार है, जो रॉक स्टार है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर एकॉन, अगर गाना अली अली गा रहा है और खुद स्टेज पे आके, दैट इज़ मोर देन इनफ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक्स टू ऑल माई फैंस जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं गाने को, और पूरे वर्ल्ड से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। एंड 15 तारीख को अगेन मैं बहुत बड़ा शो करने जा रहा हूँ दुबई में। आई एम श्योर कि वहाँ भी 50,000 to 70,000 क्राउड होगा, बिकॉज ये दुबई में तो पूरा अरब में ये गाना छा जाएगा। वेल मैं हमेशा डिफरेंट ऑडियंस को मैं टारगेट करता हूँ। जैसे मैंने सिंग इज किंग गाना मुझे मिला, और मुझे पता था कि सिंग इज किंग का मतलब पूरा एंथम है, और बिकॉज मैं खुद सरदार हूँ और पूरी जो कम्युनिटी है वो बहुत खुश हो जाएगी। तो जब सिंग इज किंग गाना आया एंड सडनली युवराज पूरे उसमें जोश में खेल रहे थे, उसके पीछे गाना चल रहा सिंग इज किंग, देन मनमोहन सिंह जी उस वक्त कांग्रेस से जीते थे, तब गाना सिंग इज किंग चल रहा था। लेकिन गाना हमने बनाया था सिंग इज किंग फॉर मेरी कम्युनिटी के लिए, लेकिन जब हम राजस्थान में गए तो जो वहाँ के सिंह हैं उन्होंने भी गाना उस गाने पे डांस करना शुरू कर दिया। अगर हम गुजरात में गए या यूपी में गए तो वहाँ के जो राजपूत सिंह्स थे उन्होंने इंजॉय करना शुरू कर दिया। तो हमेशा मैं एक ऑडियंस को टारगेट करता हूँ, जैसे पुंगी पुंगी गाना था वो मुझे लगा कि बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगा। देन समथिंग मेरा रोमांटिक सॉन्ग था, फिर बिल्लो जो कि टीनेजर को बहुत पसंद था। तो मैं हमेशा हर साल एक टारगेट करता हूँ कि ये जो ऑडियंस है अब मुझे इस ऑडियंस को टारगेट करना जी, बिल्कुल जी। मेरी जान तू, मेरी शान तू, मेरा कलमा तू, ईमान तू, मेरी जुस्तजू, मेरी आरजू, हर जर्रे में बस तू ही तू,
दुआओं में ही तुझको मैंने याद कर लिया है, बस तेरा नाम हर वक्त सबकी जुबां पे, अली 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 हो। बिल्कुल जी, नया साल भी आने वाला है एंड बिकॉज अभी मेरा रिसेंटली जो पंजाबी ऑडियंस के लिए मैंने बहुत वेडिंग सॉन्ग बनाया है डीजे वाले हैं, जो ऑलरेडी बहुत ही धूम मचा रहा है, स्पेशली जो मेरे एनराइज पंजाबी हैं, तो पूरा हार्डकोर ठेठ मैंने पंजाबी गाना बनाया डीजे वाले, और मीनू बख्शी सिंगर ने मेरे साथ वो गाना गाया है। एंड आफ्टर डीजे वाले अभी दो हफ्ते बाद ये अली अली है, और अली अली का मतलब है कि एक सूफी सॉन्ग जिस पे आप झूम सकते हैं एंड आप इबादत कर सकते हैं। सो जो एक आदमी मौलाना या मस्ताना होके जब आदमी झूमता है तो ये वो लगा है। एंड आज बहुत बड़ा दिन है मेरे, रिसेंटली मैं यूएसए में गया था, तो मैं जुड़ा था इस्माइली फाउंडेशन से, ये एक कम्युनिटी है जिनके जो सेंट है उनका नाम है आगा खान जी, उनका आज बर्थडे है 13 दिसंबर। तो जब मैंने यूएसए में इनके शोज़ करे थे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नए काम कर रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन से लेके बहुत बहुत ज़्यादा, ये इनका एक फाउंडेशन जो बहुत हेल्प करती है गरीब बच्चों को, और उनके मैंने चैरिटी शोज़ किए थे यूएसए में। सो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ये गाना उनको एक ट्रिब्यूट करता हूँ। आगा खान जी का आज बर्थडे है, 81 ईयर के वो हो गए हैं। सो मैंने सोचा था कि 13 तारीख को जब ये अच्छा दिन है तो मैं ये गाना लॉन्च करूँगा। सो टुडे इज 13 दिसंबर, तो साल पहले मैंने ये फैसला किया था कि ये गाना मैं इस तारीख को रिलीज करूँगा। जी तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, हाँ मतलब उस पे भी जो एवरेज जो होता है पब्लिक वो जी ये जानना चाहता है कि वो पीआर स्टंट के लिए होता है। आपको भी ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ा होगा जब कंट्रोवर्सी हुई होगी जी और पीआर स्टंट के लिए लोग क्लेम करते हैं कि आपने ये काम पीआर स्टंट के लिए किया। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे खैर शी इज वेरी स्वीट एंड बहुत यंग है ज़ारा वसीम जी, तो कई बार होता है कि थोड़ा टाइम लगता है ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। डेफिनेटली वो जो उनके साथ हादसा हुआ वो बहुत गलत है, एंड आई एम श्योर कि जो मैं चाहता हूँ कि आगे से लोग जो भी ये मेरी इंटरव्यू सुन रहे हैं थोड़ा सा लेडीज़ को आप कंफर्टेबल रखें, और वैसे तो पहले से बहुत फ़र्क पड़ गया है एयरलाइंस में भी या हर जगह पर, पर फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी अनएजुकेटेड होता जिसको नहीं तमीज़ रहती। सो मेरे साथ तो यही होता है कि जैसे मैं चश्मा पहनना मैंने शुरू कर दिया, कई बार मैं सुबह उठता हूँ, सुबह सुबह फ्लाइट लेता हूँ, तो 7 o'clock जैसे ही मैं लैंड करता हूँ तो मेरा शक्ल थोड़ा पूरा ख़राब हुआ होता है। नेचुरली बात है, आप थके होंगे, तो फैंस आते हैं बेचारे, वो उनको लेना देना नहीं कि आप अच्छे दिख रहे हो गलत दिख रहे हो, उनको आपकी आवाज़ पसंद है तो बोलते पाजी 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 फोटो करनी है। तो फिर मैंने 5-7 साल मुझे हो गए, मैं कह यार बजाय उनको मना करने के लिए वो सुधरेंगे तो है नहीं, बट आफ्टर हम भी अपने फैंस की बदौलत हैं, तो फिर ये मैंने चश्मा लगाना शुरू कर दिया कि तुम फोटो खींचते रहो भले मैं अच्छा दिखूँ या बुरा दिखूँ। बट डेफिनेटली हमें थोड़ा सा आने वाले टाइम में और ध्यान रखना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए लेडीज़ को, और उनको उनकी जगह देनी चाहिए, उनको घूरना नहीं चाहिए और उनको अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। सो ये मेरी सबसे गुजारिश जी। मेरी तो कमाल ही हो गया यार, मैं हमेशा क्रिकेटर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने नोट करा कि आई गेस ये अगर अभी जो मुझे लगता है जो पक्के मर्द जो चल रहे हैं वो मुझे लग रहा है क्रिकेटर्स ही हैं जो ज़ुबान से फिसल नहीं रहे। जैसे पज्जी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हरभजन पज्जी, एंड पज्जी साहब ने भी मेरे ख्याल 5 साल डेट करा और बाद में उन्होंने शादी कर ली, तो कई बार ऐसा लगता है जब कोई डेट कर रहा हो तो पता नहीं शादी होगी ना होगी। देन युवराज पाजी, उन्होंने सिक्सर मारा भी, उन्होंने भी कमाल कर दिया, उन्होंने भी जिनको वो डेट कर दिया उन्होंने शादी करी। एंड देन अनुष्का एंड विराट कोहली को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, विशिंग यू बोथ हैप्पी मैरिड लाइफ। आप दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई एम श्योर कि पूरे हिंदुस्तान को आज बहुत खुशी होगी कि इतने खूबसूरत चेहरे ने शादी करी। सो बेस्ट विशेस भाई, लव यू। मैं तो उनके लिए यही अली अली गा देता हूँ यार, तो विराट एंड अनुष्का मेरी तरफ से आपके लिए ये सूफी सॉन्ग है, इबादत वाला सॉन्ग है। मेरी जान तू, मेरी शान तू, मेरा कलमा तू, ईमान तू, मेरी आरजू, मेरी जुस्तजू, हर जर्रे में बस तू ही तू।
दुआओं में ही तुझको मैंने याद कर लिया है, बस तेरा नाम हर वक्त सबकी जुबां पे। साथ में बोलो अली 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 हो। अपकमिंग प्रोजेक्ट तो रिसेंटली मेरी तमन्ना पूरी हुई थी, बिकॉज 18 साल से मैं आमिर खान साहब का फैन तो हूँ, थोड़ा बहुत उनके साथ मेरी दोस्ती भी है, जान पहचान भी है, क्योंकि 99 में मेरा जो पहला वर्ल्ड टूर हुआ था वो आमिर खान साहब के साथ ही हुआ था, एंड तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और तब से लेके मैं उनका वेट कर रहा था। पहली बार मैंने यूएस से उनके साथ घूमा एज ए सिंगर, उनसे पहले मैं दिलीप भाजी के साथ एज ए गिटारिस्ट मैं परफॉर्म कर चुका था, लेकिन एज ए सिंगर मेरा गाना सावन लग गया रिलीज हुआ था, तो पहली बार मैं आमिर भाई के साथ वर्ल्ड टूर पे गया था, जिसमें यूके में शोज हुए थे हमारे लंदन में, एंड यूएसए में 16 शोज हुए थे तभी, और तब से लेके अच्छी जान पहचान है, जब भी हम मिलते हैं बहुत अच्छी दुआ सलाम उनके साथ होती रहती, बट कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं उनको अप्रोच करूँ कि भाजी आमिर भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे आपके साथ गाना करना है। मन में मैं कहता रहा लेकिन जुबान पे कभी आया नहीं। मेरे मन में यही था कि कोई नहीं, एक ना एक दिन तो ज़रूर ऐसा आएगा कि आमिर भाई खुद मुझे बोलेंगे यार मेरे साथ गाना गाओ, तो मैंने 18 साल उनका वेट करा, एंड फाइनली ये जो सीक्रेट सुपरस्टार है इस पर मुझे सेक्सी बिल ये गाना मिला, जिसमें उनका जो स्टाइल है वो भी पूरा चश्मा वश्मा पहन के उन्होंने वो टोन भी यूज़ करी है, सो थैंक्स टू आमिर भाई। देन हवा हवा मेरा सुपर हिट रहा है, अभी एक फिल्म आ रही है उसका मुझे नाम लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है, शायद आप हेल्प करेंगे, टी टू की पता नहीं क्या, टी टू के स्वीटी की सोनू, नहीं सोनू के टी टू की स्वीटी, वो लव रंजन जो मेरे दोस्त हैं उनकी पहली फिल्म जो थी प्यार का पंचनामा, उसमें मेरे दो गाने थे, देन सेकंड में उन्होंने पुराना वाला गाना यूज़ किया, अब थर्ड में वो फिर ये फिल्म बना रहे हैं एंड सेम कास्ट लेके, एंड आई एम श्योर कि ये फिल्म सुपर हिट होने वाली है, इसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया। हाँ म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, एंड आई एम श्योर के जितने भी आजकल तो न्यू कमर्स आ रहे हैं बहुत ही टैलेंटेड आ रहे हैं, सो इसलिए मैंने जो मेरी कंपनी है ये गाना अली अली जो है, इससे पहले मैंने दिलीप भाजी के साथ गाना रिलीज करा था, तो म्यूजिक कंपनी का नाम है म्यूजिक एंड साउंड, जिसमें हम न्यू कमर्स को भी बहुत चांस दे रहे हैं। मेरा रिसेंटली शो मैंने शुरू करा है जिसका नाम है ओल्ड इज गोल्ड, जहाँ पे बहुत सारे मैं न्यू टैलेंट को आगे लेके आ रहा हूँ, एंड बहुत सारे नए बच्चे हैं, जैसे रिसेंटली मैंने तनु श्रीवास्तव, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे उन्होंने बैया ना धुरो लता जी का गाना बहुत अच्छे स्टाइल में गाया, सो जैसे आप कोक स्टूडियो देखते हैं, जो जैसे आप बड़े बड़े शोज देखते हैं, मिक्स टेप देखते हैं, उसी तरीके का ये शो हमारा है ओल्ड इज गोल्ड, जहाँ पे हम सिर्फ पुराने गाने गाएंगे, मैं भी गाऊंगा, दिलीप भाजी भी गाएंगे, हंस भाजी भी गाएंगे, लेकिन पुराना लता जी का या किशोर जी का हम गाना लेके उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, सो वो शो का ऑलरेडी रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है ओल्ड इज गोल्ड का, सो म्यूजिक एंड साउंड न्यू टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए भी है।